वीकेंड के बाद में बहुत सारी चीजें क्लियर की थी सलमान खान ने, जिसके बाद मुनावर क्लियर थे कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको एक क्लैरिटी मिल गई थी और उन्होंने एक लाइन को ड्रॉ भी कर दिया था। लेकिन आयशा की तरफ से भी देखने को मिल रहा था कि अब उनको मुनावर पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो मुनावर की शक्ल को नहीं देखना चाहती हैं। जब वो री एंट्री मारती हैं तब भी सेम उनका बिहेवियर नज़र आया था कि वो मुनावर को फुल ऑन इग्नोर कर रही थी, हर किसी से ज़्यादा करके चीज़ें बोल रही थी। और तभी मैंने एक चीज़ बोली थी कि अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो ठीक है, आप हर्ट हुए हो और ये करना आपका पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है, लेकिन इस चीज़ को आपको कंटिन्यू रखना होगा। जब आप कंटिन्यू रखोगे इस चीज़ को तभी कहीं ना कहीं आप सही तरीके से सही लोगों को लगोगे। लेकिन अभी दो दिन के बाद फिर से बखेड़ा खड़ा कर दिया आयशा खान ने। पहले तो जा करके पराठा ऑफर करना कि लो पराठा ले लो, मना करता है बंदा तो उसके ऊपर चढ़ना कि आपको अंकिता ने ले दिया तो आपने ले लिया, तो उसने अंकिता का भी पराठा नहीं लिया और फिर उसने उसको कहती कि भैया पराठा फेंक दो। और फिर यहाँ पर उनका ये कहना है कि आपसे शिकायत है एक पॉइंट पर, आपका जो ये जो बिहेवियर है मुझे फील हो रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है। और मुनावर का साफ तौर पे कहना है कि भैया आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ स्टिल आप यहाँ पर हो। तो यहाँ पर उनका कहना है कि भैया रिस्पेक्ट मत दो जहाँ पर तुम्हें देना चाहिए थी, यानी कि सलमान खान के सामने जो भी तुमको करना चाहिए था वहाँ पर तुमने रिस्पेक्ट नहीं दी। और मुनावर कह रहा है कि जो शायद हम लोगों को नहीं दिखाया गया है, मुनावर ने जिस दिन ये कोर्ट रूम ड्रामा हुआ है उस दिन जाकर के बोला था कि अभी मेरे दिमाग में कुछ कंक्लूजन है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। जिसके बाद ये कहती हुई नजर आती कि 15 दिन तक के जो भी चीज़ें थी उसके लिए आप श्योर नहीं हो, वो सारी चीज़ें क्या थी, अगर मुनावर से मुझे प्यार होगा तो मैं पूरी दुनिया के सामने देश के सामने आई लव यू मुनावर को बोलूंगी। तो मुनावर साफ तौर पे बोल रहा है कि भैया मेरे मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं था और अब मैं मतलब हट रहा हूं और मैं अपनी फीलिंग्स को जो भी एक्शंस थे जो भी दिखाए जा रहे थे एक्शंस उस पर मैं काम कर रहा हूं। लेकिन आप एक चीज नोटिस करने वाली जो बात है वो आयशा की देखिए, जैसे कि रिंकू ने कहा था कि मुनावर से जब वो बाहर मिली है तो 5वें दिन उन्होंने कहा कि उनको मुनावर पर 100% भरोसा है। आप हम लोग अपनी रियल लाइफ की बात कर लें, हम किसी इंसान से मिलते हैं ठीक है, किसी इंसान से मिलते हैं उसको दोस्त के तौर पर देखते हैं, हम अपनी जिंदगी की पूरा चिट्ठा खोल के रखते हैं उसके सामने क्योंकि हम हल्का फील कर रहे हैं, उसको सब कुछ बताते हैं, लेकिन फिर भी स्टिल 5 दिन के अंदर हम किसी पर भी 100% भरोसा नहीं कर सकते। अब यहां पर आयशा खान का कहना है कि 15 दिन जो तुम दिखा रहे थे वो भी तुम्हारी फीलिंग नहीं थी, बाहर भी नहीं थी और इनका मुश्किल से 2 महीने का बातचीत का जो भी सिस्टम रहा है सिर्फ 2 महीने का रहा है और 2 महीने में आयशा ऐसा प्रेटेंड कर रही है कि ना जाने क्या कुछ है। फिलहाल एक बार फिर से उन्होंने मुनावर को ड्रैग किया, पराठे से शुरुआत होती, पराठा लेने से मना कर दिया, तो उन्होंने सारी चीजें लेकर के आई है, फीलिंग्स के बारे में बोल रही है। भैया तुम अपने स्टेटमेंट पे रहो, बिग बॉस के घर में तुम रिवेंज लेने आई थी मुनावर से कि मुनावर की इज्जत को तार तार कर दोगी, वो तुमने कर दिया, अब तुम अपना गेम खेलो बिग बॉस के घर में। अब ये क्या ड्रामा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आयशा एग्जैक्टली चाहती क्या है। आप क्या कहना चाहते हो उस पर कमेंट करके जरूर बताओ। थैंक यू।